आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके दिल्ली कार्यालय की जासूसी करा रही है। सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोग पार्टी कार्यालय के आसपास दिखे हैं। इन्हीं में से कुछ लोग अंदर चले गए। बाहर तैनात गार्ड को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोगों को दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर घूमते देखा गया। उनमें से 3 पार्टी कार्यालय में घुस गए और बाकी बाहर रहे। मुझे लगता है कि वे एक ही एजेंसी से थे और उनका एक ही एजेंडा था। उन्होंने यह भी बताया, जब गार्ड ने उनसे अपना विवरण रजिस्टर में लिखने के लिए कहा तो उन्होंने बहाना बना दिया। हमारा मानना है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की जासूसी करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार कई बार आरोप लगा चुकी है कि केंद्र सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बड़ी साजिश हो सकती है।